हेलो गाइस, मैं हूं दिव्य। आप देख रहे हैं साइंस वर्ल्ड। तो आज का टॉपिक है यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग के टाइम आप क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, उसी पर बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल वाला आइकन बनकर आएगा उसे ऑल पर सिलेक्ट कर दो, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुँच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है, पहले नंबर पर आता है हमारा वीडियो शूटिंग। तो वीडियो शूटिंग के लिए पहले हमको साइज रेशियो चूज करना पड़ेगा, उसके बाद हमको कैमरा चूज करना पड़ेगा कि हम कौन से कैमरा से शूट करें, मोबाइल पे या DSLR पे, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमें क्लियर रेजोल्यूशन। तो क्लियर रेजोल्यूशन के लिए हमको पहले अच्छी कैमरा की जरूरत पड़ सकती है और हमारा जो वीडियो क्वालिटी है वो अच्छी होना चाहिए, जिसे हमको क्लियर पिक्चर मिल जाए। उसके बाद आता है हमारा क्लियर वॉइस। तो आपका वॉइस सबको सुनाई देना चाहिए, तो इसलिए माइक का यूज़ करना पड़ेगा। तो माइक अगर आपके पास नहीं है तो आप ईयरफोन का भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर जो माइक है उस पर भी बोल दीजिए तो ये भी काम करेगा। तो उसके बाद आता है हमारा जो बैकग्राउंड चूज करना। तो आपको पहले बैकग्राउंड चूज करना पड़ेगा कि ये वीडियो कहाँ पर बनाए, किस बैकग्राउंड पर ये सही लगेगा। तो उसके बाद आता है हमारा जो स्टॉपिंग का काम। तो वीडियो को हम जब बनाते हैं तो बार बार स्टॉप और पॉज करते हैं, तो इसको अवॉइड कीजिए। आप वीडियो को पूरा बनाइए, जहाँ पे भी गलत हो जाए वहाँ पर बार बार बनाइए जहाँ पर गलती हो रही है, और वीडियो को स्टॉप मत कीजिए। तो उसके बाद आता है हमारा वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो को पहले हम जब बनाते हैं तो उस पर बहुत सारी गलतियाँ होती है, वहाँ पर कट लगाओ और उसी जगह पर ट्रांजिशन डाल दो या फोटो डाल दो, जैसे उस जगह का ट्रांजिशन हो जाए। उसके बाद आता है और एक्सपोर्ट हाई क्वालिटी वीडियो। तो आपको वीडियो को शूट करने के बाद जो एडिटिंग करने के बाद मिलेगा वो थोड़ा कम रिजोल्यूशन का हो जाएगा। तो पहले आपको हाई क्वालिटी का रिजोल्यूशन चाहिए, तो उस पर फ्रेम पर सेकेंड और बिट रेट बढ़ा दीजिए, जैसे कि आपको हाई क्वालिटी वीडियो मिल जाए। उसके बाद आता है हमारा कॉपीराइट कंटेंट। आप कितना कॉपीराइट कंटेंट नहीं यूज करते हैं वो भी डिपेंड करता है। अगर आप कॉपीराइट थिंग्स YouTube से लाते हो तो आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ सकती है। तो उसके लिए आपको पहले NSS से म्यूजिक डाउनलोड करना पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा वीडियो को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको उससे परमिशन लाना पड़ेगा, और क्रिएटिव कॉमन से भी आप ला सकते हैं। उसके बाद था हमारा एडिटिंग ऐप। तो ये सब एडिटिंग करने के लिए आपको एक एडिटिंग ऐप का जरूरत पड़ सकती है। अगर आप PC के यूजर हैं या मोबाइल के यूजर है तो आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ सकती है। तो उसी सॉफ्टवेयर पे वीडियो बनाइए और वीडियो को शूट करिए, और उसी सॉफ्टवेयर पे आपको वीडियो को एडिट करना पड़ेगा। तो उस सॉफ्टवेयर का एक खास चीज़ होना चाहिए, जो वाटरमार्क रिमूव होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास वाटरमार्क रिमूव है तो आपका बहुत ही अच्छा ऐप है। तो पहले आपको वाटरमार्क रिमूव करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ऑनलाइन से बाय कर सकते हैं और आप मॉडिफाइड ऐप को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्क्रिप्ट राइटिंग। तो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आपको पहले आपका जो वीडियो का टाइटल चूज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिख देना है, उसके बाद आपको टैग्स देना है जहाँ पे आपको आपका जो वीडियो का कंटेंट है उसको आपको थोड़ा थोड़ा लिखकर आपको कोमा से उसके भर देना है, और आप उस पर आपका चैनल का नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि आपका चैनल का प्रायोरिटी बढ़ जाए। और उसके बाद था हमारा कॉपीराइट नोटिस। तो वीडियो को जब बनाने के बाद जब अपलोड करेंगे तो कॉपीराइट नोटिस को डालना मत भूलना, और अगर आप वीडियो में वीडियो के अंदर डालना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर भी आप लिख कर फोटो की तरह आपको उस पर डाल देना है, जैसे कॉपीराइट कंटेंट से आप बच सके। उसके बाद है हमारा थंबनेल। तो आपको थंबनेल चूज करना पड़ेगा उसी वीडियो से जो इसका आप शूट करते हैं, तो उसी से एक फ़ोटो क्लिक करिए और उस पर एक बड़ा सा नाम लिख दीजिए जिस पर वीडियो है, और थोड़ा कैची बनाइए, ब्रीफी बनाइए, जैसे सबको अट्रैक्टिव लगे। हमको उसी पर रॉन्ग डिटेल्स मत देना है। अब मतलब आपका वीडियो ये है और आप थंबनेल पर ये डालते हैं आपका वीडियो को व्यूज़ बढ़ाने के लिए, तो ये सब मत कीजिए। इससे आपका जो व्यूअर्स है उसका जो भरोसा है आपको, आपके ऊपर भरोसा कट जाएगा। तो उसके बाद आता है हमारा अपलोडिंग। तो अपलोडिंग के टाइम हमको पहले जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसको आपको वहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा, और अगर आप दूसरे देश से हो तो अगर ट्रांसलेशन देना चाहते हो तो उसी को आपको गूगल ट्रांसलेट पर ट्रांसलेट कर दीजिए और वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और उसके बाद आता है हमारा जो
चिल्ड्रन हार्म कंटेंट। तो ये सब का आपको ध्यान देना होगा कि ये वीडियो चिल्ड्रन हार्मफुल है या हार्मलेस है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद आते हैं हमारा यूट्यूब के न्यू गाइडलाइंस, उनके अनुसार जो कोपा है उसके लिए आपको चूज करना पड़ेगा, ये चिल्ड्रंस के लिए है या बड़ों के लिए है। उसके बाद आता है हमारा एम्बेडिंग वीडियो, तो इस एम्बेडिंग को ऑन कीजिए यूट्यूब स्टूडियो पे। जैसे कि आपको वीडियो अगर लिंक पर शेयर कर दिया जाए तो आपका जो थंबनेल है वो वहाँ पे लग जाएगा, मतलब बंदा जान पाएगा कि ये वीडियो कौन सा है और उस पर क्लिक हो जाएगा। तो ये सब थी सारी चीज़ें, तो इस पर आपको सब ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।